और तुम दोनों मेरी शादी में आई हो। उठा। दादा छोड़, तुम तीनों देवियों में से कौन सी देवी ये बताने का कष्ट करेगी कि यहाँ किसकी जासूसी कर रही थी? तुमसे मतलब? अच्छा, अब हमको मतबल सिखाएगी। यहाँ इस इलाके में जो भी कुछ होता है ना, उस सब से हमारा मतबल होता है। समझी रानी? चल बता, किसका पीछा कर रही थी? देखो मेरे में सबर अबर खत्म है। अगर मेरा सबर खत्म हो गया ना तो तुम सब बड़ी भारी मुसीबत में पड़ जाने वाली हो। समझी? भाई तुम कहो तो मैं अपने तरीके से पूछताछ करूं? नहीं, रईस खानदान की लगती हो। देखो तुम जैसे शरीफ कराने की लड़कियों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। चुपचाप से बता दो यहाँ क्या करने आई थी, वरना सुना ना क्या कह रहा था ये कमीना, ये बड़ा ही खतरनाक है। अगर ये अपने तरीके से पूछेगा ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम जग्गू दादा को ढूंढने आए। जग्गू दादा? क्यों? जवाब दे, उससे तुम्हारे को क्या काम है? बोलती है या? जग्गू भाई ने इसका पति का खून किया है और ये बदला लेना चाहती है जग्गू भाई से। तो तुम ये भी जानना चाहोगी कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूछो पूछो, मैं कौन हूं? पूछो कौन हूं? जग्गू भाई। मजाक कर रहे थे। आपको लगता है हमें, देखिए आपको लगता है हम बदला ले सकती हैं? हम एक शरीफ खानदान की बहुत ही शरीफ लड़कियां हैं। वो क्या है, हम डर गए थे ना, इसलिए डर के मारे मुंह से कुछ भी निकल गया। हाँ। दादा बात तो ठीक है रे चौकरिया, हमसे टकराने की मत, पुलिस वाले में नहीं है। ये किस केस की बोली है? अगर तेरी बात मान भी ले तो फिर सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, ये यहाँ क्या करने आई थी? चल छोकरी, हम तेरी बात मान लेते हैं कि तू हमसे बदला लेने नहीं आई थी, तो फिर तू यहाँ क्या करने आई थी?